एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है बाकी दिनों से, क्योंकि पहले हम लोग ट्रैवलिंग का करते थे, लेकिन आज हम लोग कुछ नया करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है थंबनेल और टाइटल पढ़ के, तो आज हम करने वाले हैं फूड ब्लॉगिंग। तो आज मैं बनाऊंगी एक मैगी, तो चलिए उसका रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो एग मैगी का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो हमें बहुत पसंद है और मैं अपने घर पे हमेशा मैं ही बनाती हूँ, यहाँ पे भी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि सबको मेरे हाथों का ही अच्छा लगता है। तो प्लीज आप मेरे ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे थोड़े दिन पहले ही बोला था कि प्लीज अपने एग मैगी का रेसिपी बताओ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस पर एक वीडियो ही बना लूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर सकूँ। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं इस रेसिपी स्टार्ट करूंगी, तो प्लीज अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। उससे पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो प्लीज जो भी नए व्यूअर्स हैं, अपना प्यार दिखाइए, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सपोर्ट अस, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ना भूले। सो चलिए फटाफट मेरी वाइफ का जो स्पेशल रेसिपी है, I will show you how she gonna cook. तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक भुजरी, जिसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज और तीन मिर्ची और तीन अंडा। फिर इसको अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। फिर एक कोई भी कढ़ाई ले लें आप, और मिर्ची को भी ऐसे छोटा छोटा कट कर लें। तो हमारा कढ़ाई अब गर्म हो गया है। अब हम 3 से 4 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें मिर्ची डालूंगी। मिर्ची को 10 सेकंड ऐसे चला के भून लें। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे ही आप प्याज को भून सकते हैं, ढक के उतना पकाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें एक ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें इतना सा नमक ऐड करूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लें। फिर इसको अच्छे से चला लें, नमक इसमें अच्छे से मिल जाना चाहिए। और फिर इसको भूनते रहना है जब तक ये पूरा ब्राउन नहीं हो जाए। मैंने इसको अच्छे से चला लिया है, और आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनें ताकि जल्दी होगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलर आ रहा है, और आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, ऐसे ना छोड़ें, नहीं तो ये जल जाएगा। हमारे ये अच्छे से भुना गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। मसाला बनाने का तैयारी करूंगी, तो उसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज और 2 टमाटर और सेम 3 मिर्ची। तो इसको भी ऐसे बारीक कट कर ले। तो मिर्ची को भी छोटे छोटे चॉप कर ले, और टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर ले। और अभी जो मैं मसाला बनाऊंगी, वो मैं 2 मैगी के लिए मसाला बनाऊंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 मैगी के लिए मैंने 3 अंडा लिया है। अगर आप 1 मैगी बनाते हैं तो 1 ही अंडा लें। अगर आपको अंडा ज्यादा पसंद है तो 2 अंडे भी ले सकते हैं आप। और अगर आप 2 मैगी बनाते हैं तो 3 अंडा लें, खाने में एकदम परफेक्ट होगा। तो चलिए मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप गैस का फ्लेम ऑन कर लें, फिर कढ़ाई ले लें। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 4 चम्मच तेल ऐड करूंगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मिर्ची डालूंगी। साथ में प्याज को भी डाल दें, वो मिर्ची खुद से भुना जाएगा इसमें।
और गैस का फ्लेम लो ही रखें और इसको ढक लें और ढक के इसको अच्छे से पकाएं। तो प्याज हमारा ऑलमोस्ट भुना गया है, तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब आप इसको अच्छे से चला लें और फिर इसको 2 मिनट ऐसे भूनते रहें मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी, तो मैं 2 मैगी मसाला ऐड करूंगी। और इसमें 2 मैं एक्स्ट्रा मसाला भी ऐड करूंगी, एक चिकन मसाला, इतना ज़्यादा ऐड ना करें आप। और मिर्ची, रेड चिल्ली पाउडर भी आप 1/2 चम्मच ऐड कर लीजिए। और मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से ऐसे चला लें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके 5 मिनट तक इसको भूनते रहें। इसमें आपका प्याज, इसमें आपका टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा और बीच बीच में आपको इसको देखते रहना है कि कहीं ये जल ना जाए, और आपको इस मसाले को ढक के पकाना है। तो हमारा मसाला पक चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें नमक भी ऐड करना है मसाला के लिए, आप अभी ऐड कर लें इसमें नमक, मैं लास्ट में ऐड करूंगी क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है इसलिए। इसमें पानी डालूंगी तो पानी मैंने डाल लिया है, और मैगी भी आप अभी ही डाल लें, ऐसे तोड़ के डाल लिए अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। तो मैंने इस मसाले में 1.5 गिलास पानी का यूज किया है, तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब 2 मिनट बाद मैं इसमें 1 भुजरी डालूंगी जो मैंने पहले बना के रखा है। सो मैगी पक चुका है, अब मैं इसमें 1 भुजरी ऐड कर दूंगी। और ये ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे गैस कर लें और 1 मिनट इसको अच्छे से चला लें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें आप। इट्स डन, मैगी हमारा बन चुका है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इट्स डिलीशियस। तो हमारा 1 मैगी कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं सबसे पहले टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ मैं अपने कैमरा मैन को, वो बताएंगे कि कैसा बना है। चलो बताओ कैसा बना है। फर्स्ट लुक एट दिस स्माइली। वो तो मैंने दिखाया पहले, खा के बताओ कैसा बना है। टू गुड। एक मीम है ना, परफेक्ट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नमक परफेक्ट है मेरे लिए थोड़ा सा तेज है, बट आपके लिए एकदम बहुत ज्यादा परफेक्ट है। नमक थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नमक, मैं नमक एक्चुअली बहुत कम खाता हूँ, बहुत ज्यादा ना भी मिले तो चलता है, बट इट्स रियली डिलीशियस। और एडवाइस है कि यू गाइस कैन ट्राई दिस एट होम, बट बाहर नहीं, ओनली एट होम। ग्रेट ग्रेट नूडल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।